दोस्तों पाई में ऐसी क्या बात है कि सुपर कंप्यूटर 5 ट्रिलियन वैल्यूज निकालने के बाद हार गया, और क्यों बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने पूरी जिंदगी गुजार दी पाई की कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करने में। या आपको पता है कि पाई डे किस दिन मनाया जाता है और उसी दिन क्यों मनाया जाता है, और पाई डे का द ग्रेट साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से क्या रिलेशन है? तो ऐसे ही कमाल के अमेजिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ एंड तक बने रहें, आप सीखेंगे पाई क्या है, क्यों है, कैसे है, मैथ में कहां कहां इस्तेमाल होता है, कब इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, सब कुछ आप सीखेंगे और फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे आप ये वीडियो देखने के बाद। एंड तक देख ली तो आइए शुरू करते हैं पाई की ABCD से। दोस्तों ये पाई जो है ग्रीक अल्फाबेट का 16वां लेटर है। जैसे इंग्लिश में 16वें अक्षर पे पी आता है, बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीक अल्फाबेट में 16वें अक्षर पे ये पाई आता है। लेकिन ये पाई मैथ में कब से यूज हुआ, आइए इसको समझने के लिए हम चलते हैं 3500 BC में आ गए। अब देखिए क्या हुआ कि जहां प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। आपको दूर के लोगों से बात करनी थी, आपने फोन इन्वेंट किया। आपको गर्मी लगी, आपने एयर कंडीशन इन्वेंट कर दिया। आपको चीजों को ठंडा रखना था, आपने फ्रिज इन्वेंट किया। बिल्कुल इसी तरीके से दोस्तों उस टाइम के लोगों को ना सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने एक व्हील बैरो बनाया। व्हील बैरो क्या, एक गाड़ी बनाई जिसमें उन्होंने गोल सा पहिया लगा दिया और उससे सामान जाने लगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हुई। ये प्रॉब्लम क्या हुई कि पहिया एक्यूरेट गोल नहीं बना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गाड़ी हिचकोले खाने लगी। अब उससे सामान गिरने का खतरा, नुकसान होने का खतरा। तो क्या हुआ, एक मेजरमेंट बनाई गई जिससे एक्यूरेट पहिया बना लिया गया। वो मेजरमेंट ये थी कि अगर किसी पहिए की जो डायमीटर है वो 7 यूनिट है, तो उसकी जो पूरी गोलाई है, पूरा सरकमफेरेंस है, वो 22 यूनिट होना चाहिए, तभी पहिया गोल बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये जो रेशियो है 22 और 7 का, इस रेशियो को दिखाने के लिए ही पाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो पाई को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कल सरकमफेरेंस टू इट्स डायमीटर, कि एक वृत्त के जो परिधि है उससे उसके व्यास का जो अनुपात है वो पाई। दोस्तों ग्रीक लैंग्वेज में सरकमफेरेंस को पेरिफेरी कहते हैं और पेरीमीटर को पेरीमेट्रोस बोला जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों ही वर्ड का पहला लेटर जो है वो पाई है, तो हो सकता है कि इसीलिए पाई को उठाया हो डिनोट करने के लिए इन सभी को। अच्छा अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है ना वो पाई हम मानते हैं, यही तो हमने सीखा ना। मैथ का पहला फॉर्मूला बनने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर अब क्या होगा, देखिए ये डी है ना डायमीटर, इसकी जगह हम 2r लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो मैंने क्या किया, इस डी की जगह 2r लिख दिया, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी की उधर मल्टीप्लाई होगी और उधर तो कुछ भी नहीं है, तो सी का तो सी ही रहेगा, और फिर इस पाई की मल्टीप्लाई होगी 2r में, तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2πr। मैथ का पहला फॉर्मूला बन चुका है दोस्तों, मुबारक हो आपको कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। ये बना है मैथ का पहला फॉर्मूला। वीडियो पसंद आई आपको लाइक कर देना, कॉन्सेप्ट इसको प्रूफ करके भी देखेंगे अभी, और वो प्रूफ हम करेंगे इस इंच टेप की मदद से। मैं आसपास ढूंढ रहा था कि कुछ ऐसी चीज मिले कि जिससे मैं आपको समझा पाऊं इसका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से, तो मुझे मिला अपना कैमरा जिससे ये वीडियो शूट हो रही है। तो इसका जो लेंस है ना, हम इसको नापेंगे, इसका डायमीटर सर्कमफेरेंस का रेशो पता करेंगे कि क्या रेशो आया है। तो आइए दोस्तों इसके लेंस का जो कि गोल नज़र आ रहा है हमें, इसका सबसे पहले हम डायमीटर देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इंच टेप रखा, तो बिल्कुल एक्यूरेट 7 सेंटीमीटर ही इसका डायमीटर है। तो पहली बार कैमरा लेने का फ़ायदा हो गया हमें कि हमें बहुत अच्छा एग्जांपल आज समझने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल 7 सेंटीमीटर है ये। तो हमने क्या सीखा कि अगर 7 हो तो उसका सरकमफेरेंस होना हो 22 सेंटीमीटर होगा। तो इसका सरकमफेरेंस नापते हैं अब हम, इसकी बाउंड्री पर ही हमने इंच टेप रखा और हम ये घुमाते हुए लेकर आ रहे हैं आगे। ये हम लेकर आ गए और ये देखिए दोस्तों कमाल हो गया, ये देखिए बिल्कुल 22 पे यहाँ पर ये दोनों टच कर रहा है। इसका मतलब इसका सरकमफेरेंस पूरा 22 ही है। तो ये देखिए प्रॉपर गोल है, अगर रेशो कुछ और होता फिर ये प्रॉपर गोल नहीं होता। तो यही केस हुआ था पहिए के सीन में भी। अच्छा अगर हम इसके सरकमफेरेंस को थोड़ा सा बढ़ा लें, सपोज कीजिए 22 ना हो गया, ऐसे 23 होता तो क्या होता, अब यहाँ से थोड़ा सा ये गोल उचकता और फिर यहीं से पहिया क्या होता, ये हिलना शुरू होता। तो इस वजह से हमारा जो रेशो फॉलो होगा वो वही होगा, हमारा कितना 22/7 का रेशो फॉलो होगा। ये देखिए 7 है तो वो 22 है, अगर ये 14 होता फिर वो 44 होता। अब फेंकते हैं इस इंच टेप को साइड में और अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सुपर कंप्यूटर ने 5 से शर्त लगाई और वो हार गया। लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट। अभी तक आपने क्या सीखा कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। आपकी दुनिया पलट जाएगी अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये पाई की वैल्यू है ही नहीं। जी हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है।
अभी तक आप जो पढ़ रहे हो सब गलत पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये हुआ पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू होती है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, पाई एक इरेशनल नंबर है। लेकिन आप 22+7 को काट के देखो ये तो रिपीट हो जाएगा, काट के देख लो खुद ही। चलो मैं काट देता हूँ आपके लिए, रुको यहीं पर एक मिनट। देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा 22/7, ये तो रिपीट हो गया। 1428577, ये तो रिपीट हो गया। इसका मतलब ये पाई की वैल्यू नहीं है, पाई की एक्यूरेट वैल्यू तो कुछ और है। तो सुपर कंप्यूटर ने पता करने की कोशिश की, क्या पता आगे जाकर पाई की वैल्यू कभी कट जाए। उसने 5 trillion टाइम्स तक पाई को काट दिया, लेकिन पाई बड़ा पक्का, वो ना ही कटा ना ही रिपीट हुआ। सुपर कंप्यूटर ही बोल उठे भैया हमसे ना हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक आपने जितने भी एरियाज निकाले सर्किल के, जितने भी सर्कमफेरेंस निकाले 22/7 रख के, वो सब तो गलत थे, लेकिन टीचर ने आपको फिर भी मार्क्स दिए। वो गलत क्यों थे आपको पता लिया कि माइक्रो मिली यूनिट का डिफरेंस रहता है 22/7 में और पाई की एक्यूरेट वैल्यू में। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो पागल रहे कि किसी तरीके से ना इसकी एक्यूरेट वैल्यू मिल जाए। कुछ साइंटिस्ट ने पूरी जिंदगी निकाल दी अपनी पाई की एक्यूरेट वैल्यू पता करने में, वो खुद निकल गए, लेकिन पाई की वैल्यू आज भी निकलती ही जा रही है, अभी तक नहीं कटा है पाई, ना ही रिपीट हुआ है। तो अच्छा अब जानते हैं कि पाई कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है, पाई की बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए बहुत इजी लैंग्वेज समझिए कि जहां पर गोला है जहां पर सर्किल है वहां पाई है, बस ये समझिए। जहां पर भी सर्किल का केस आ जाएगा, सर्किल घुसेगा वहां पर पाई आएगा। तो सर्किल का एरिया होगा, पेरीमीटर होगा, सिलेंडर होगा, आपका कोन होगा, स्फेयर होगा या फिर इलिप्स होगा, इन सब में ही पाई का इस्तेमाल होता है। क्यूब और क्यूबॉइड के किसी भी फॉर्मूले में पाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें गोलंडा यानी सर्कल नहीं होता। तो इससे क्या हुआ, आपको फॉर्मूले याद रखने में आसानी हो जाएगी कि कहां आपको पाई लगाना है कहां पाई नहीं लगाना। तो ये पाई के बारे में कुछ नॉलेज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा क्या आपको पता है कि पाई डे मनाया जाता है? हाँ, पाई डे मनाया जाता है। वो किस दिन मनाया जाता है और उसी दिन क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बताऊंगा मैं। तो सुनिए, हर साल मार्च की 14 तारीख को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च 14 को पाई डे मनाया जाता है। अब लेकिन सवाल यह कि 14 मार्च को ही पाई डे क्यों मनाया जाता है? तो उसके लिए पाई की वैल्यू पर दोबारा देखिए, एक बार नजर मारिए कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। यहीं से डेट निकली है कि तीसरा महीना 14 तारीख पाई डे यहां से सेलिब्रेट होता है। अच्छा एक थोड़ा सा और डीप में जाऊं, मैं और डीप में जाके बताऊं कि इस दिन में भी एक टाइम फिक्स है कि उस टाइम को पाई डे सेलिब्रेट होता है, वो टाइम है 1:59। अभी टाइम का क्या लोचा है, टाइम का पंगा क्या है कि 1:59 पर सेलिब्रेट हो रहा है पाई, इसका भी रीजन है। पाई की वैल्यू दोबारा देखिए, पाई की वैल्यू क्या है, 3.14159। तो यहीं से निकला है कि तीसरा महीना 14 तारीख 1:59 पे पाई डे सेलिब्रेट होगा। ये फुल डिटेल पाई की, यहां से आपके 2 सवाल तैयार होगा, एक तो आपका जीके तैयार के पाई डे 14 मार्च, और आपको पाई की पॉइंट के बाद की 5 वैल्यूज भी याद होंगे, 3.14159। तो दोस्तों ये था पाई के बारे में सब कुछ। अच्छा इसके अलावा कुछ और कोइंसिडेंट भी हुए हैं इसी डेट को लेकर, कि ये पाई डे 14 मार्च को सेलिब्रेट हो रहा है, पाई की वैल्यू भी 3.14 है, और इसी दिन यानी 14 मार्च को ही द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका जन्म हुआ था, ये एक इत्तेफाक की बात है। और इसी दिन एक और बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का देहांत हुआ था। तो ये अपने आप में कोइंसिडेंट कह सकते हैं आप इसको, कि 3.14, 14 मार्च, एक साइंटिस्ट जन्मे, एक साइंटिस्ट का देहांत हो गया, वो मतलब कुछ बात है इसमें, तो कुछ रहस्य है। आप कुछ भी इसको समझ सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है। अब इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग चाहिए मुझे इस वीडियो के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल में कोई नहीं बताता कि पाई की वैल्यू क्या है, क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस पाई को। ये पूरे स्कूल में आप पास आउट कर लेते हैं, कॉलेज पास आउट कर लेते हैं, ये नहीं पता लग पाता कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं पाई को। तो आज ये रीजन आपको पता लगा है पाई के पढ़ने का और पाई के पीछे की जो कहानियां हैं वो। तो ये मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को पता होनी चाहिए, जो भी स्कूल पढ़ रहा है, जो भी पाई को पढ़ रहा है, या जो पढ़ चुका है, जो कॉलेज में या जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सबको बताना आपका फर्ज है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, आपको सारी नॉलेज दे दी है पाई से रिलेटेड, अब आपका फर्ज है वीडियो शेयर करना। वीडियो शेयर होनी चाहिए बिल्कुल अभी करना, वीडियो बिल्कुल अभी शेयर करना। क्या करना है आपको, शेयर करना है, जितने भी आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप है सबको शेयर करना है, जो भी स्टूडेंट आपके कॉन्टेक्ट में, आपके दोस्त हैं, आपके स्टूडेंट हैं, या जो भी हैं, उन सबको शेयर करो। पाई की नॉलेज पूरे इंडिया में फैला दो, एक एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा नारा है, डियर सर का नारा, कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो ये ध्यान रखना, आप अपना काम पूरा करिएगा। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।